हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू लर्न विथ मी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ मी में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम अपना लीनियर वाले को ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। लीनियर वाले में हम क्या पढ़ रहे थे, सिंगल रो, ठीक है। सिंगल रो में भी हमने क्या क्या देख लिया है, नॉर्थ देख लिया है और साउथ देख लिया है, ठीक है। आज हम क्या देखेंगे, नॉर्थ और साउथ का मिक्सचर देखेंगे, ठीक है। इससे तीन तरीके के सवाल बनते हैं, दो तरीके के हम पढ़ लिए हैं, आज हम तीसरा तरीका नॉर्थ और साउथ का पढ़ेंगे, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये रहा हिंदी पे, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने इंग्लिश के क्वेश्चन की तरफ, इंग्लिश पे ये रहा, ठीक है। सबसे पहली बात, जब भी हम इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम सबसे पहले क्या लेके चलेंगे, नॉर्थ मतलब लेफ़्ट टू राइट, साउथ मतलब राइट टू लेफ़्ट, ठीक है। सबसे पहला हम क्या काम करेंगे, ये काम करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे दूसरा काम, अब हम पढ़ते जाते हैं और इन्फॉर्मेशन को जल्दी जल्दी नोट करते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, 9 पर्सन LMNOPQRST, ठीक है, आर सिटिंग इन अ रो। अब हम बना लेते हैं एक रो, ठीक है, अब हम बना लेते हैं एक रो, ठीक है, हमने ऐसा रो बना लिया। अब क्या बोल रहा है, सम आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम आर फेसिंग साउथ डायरेक्शन, ठीक है। कुछ व्यक्ति नॉर्थ की हैं, कुछ व्यक्ति साउथ के, हमें नहीं पता कि कितने व्यक्ति नॉर्थ देख रहे हैं और कितने व्यक्ति साउथ देख रहे हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम आगे, अब इन्फॉर्मेशन देना क्या किया इसने, स्टार्ट कर दिया, एन इज़ फिफ्थ लेफ्ट ऑफ क्यू। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते जाते हैं, एन क्या है, एक मिनट, एन क्या है, फिफ्थ लेफ्ट है किसके, क्यू के, ठीक है। और क्या बोल रहा है, हु इज़, अब एन है, क्यू है, हु है, तो हु किसके लिए यूज़ हो जाएगा, क्यू के लिए। क्यू इज़ नेबर ऑफ आर एंड पी, मैंने लिख लिया क्यू क्या है, नेबर है आर का और पी का, ठीक है। और क्या बोल रहा है, आर इज़ नॉट सिटिंग विथ दैट पर्सन, आर उस व्यक्ति के साथ नहीं बैठा है, हु इज़ फेसिंग टू द नॉर्थ डायरेक्शन, जिसका फेस कहाँ है, नॉर्थ की ओर है, ठीक है। तो जब आर उस व्यक्ति के साथ नहीं बैठे रहेगा जो नॉर्थ की ओर है, मतलब आर का एक पड़ोसी इधर एक पड़ोसी इधर, तो इन लोग का फेस क्या होना चाहिए, नॉर्थ नहीं होना चाहिए, तो कहाँ हो जाएगा, साउथ। तो आर के नेबर कैसे आ जाएंगे, साउथ डायरेक्शन, ठीक है। तो हम क्या लिख लेते हैं, आर के पड़ोसी जो हैं, आर क्या है, नेबर है किसका, साउथ वाले का, ऐसा मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ओ इज थर्ड राइट ऑफ क्यू, ठीक है। तो अब हम इसे लिख लेते हैं, ओ क्या है, थर्ड राइट भी है क्यू के, देखो अब क्यू से हम स्टार्ट कर सकते हैं, क्यू का फिफ्थ लेफ्ट पे एन लिख लेंगे, क्यू के थर्ड राइट पे ओ लिख लेंगे, एक बार क्यू का फेस ले लेंगे नॉर्थ, एक बार क्यू का फेस ले लेंगे साउथ, ठीक है। तो हम इसे बना सकते हैं, तो हम लेके देखते जाएंगे, पहले हम इन्फॉर्मेशन को नोट कर लेते हैं, ओ इज थर्ड राइट ऑफ क्यू फेसिंग साउथ। अब जो ओ है क्यू है, ठीक है, ओ है क्यू है, उसके बाद कॉमा की जो इन्फॉर्मेशन दी किसके लिए यूज़ हो जाएगी, ओ के लिए। तो हम क्या लिखेंगे, ओ का फेस कहाँ है, साउथ है, ठीक है, ओ का फेस हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ओ साउथ है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, एम और एन एम फेसिंग से अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ओ, देखो एम और एन कहाँ देख रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन पे है ओ के, अगर ओ नॉर्थ देख रहा है तो इन दोनों साउथ, अगर ओ साउथ देख रहा है तो इन दोनों नॉर्थ, ओ कहाँ देख रहा है साउथ, तो एम और एन कहाँ जाएंगे, नॉर्थ पे, ठीक है। तो मैं क्या कर लेती हूँ, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेती हूँ, ये एम का है और ये एन का है, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, एंड दे आर नेबर्स, अब दे आर नेबर्स इनको बोल रहा है एम और एन को, ठीक है, एम और एन क्या है, पड़ोसी हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे लिख लेते हैं कि एम और एन क्या आ जाए, एम नेबर है एन का, ठीक है। अब क्या बोल रहा है आगे, पी सिट सेकेंड लेफ्ट ऑफ ओ, पी कहाँ है, सेकेंड लेफ्ट पे है किसके, ओ के, ठीक है। और क्या बोल रहा है, फोर्थ राइट ऑफ एस, अब पी है ओ है, उसके बाद एन के बाद जो इन्फॉर्मेशन दी किसके लिए यूज़ हो जाएगी, पी के लिए, ठीक है। तो हम क्या लिख लेंगे, पी फोर्थ राइट पे है किसके, एस के, मैंने लिख लिया पी फोर्थ राइट पे है एस के, ठीक है, यहाँ तक का क्लियर। अब बोल रहा है हु इज़, अब हु किसके लिए यूज़ हो रखा है, तो हु के पहले जो लिखा हुआ है मतलब एस के लिए, एस इज़ नेबर ऑफ एल, मैंने लिख लिया एस क्या है, नेबर है किसका, एल का, ठीक है। और क्या बोल रहा है, टी इज़ फेसिंग सेम डायरेक्शन एज एस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टी एस क्या है, सेम डायरेक्शन, ठीक है। और क्या बोल रहा है, बट अपोजिट ऑफ पी और आर, ठीक है। तो अब ये टी लिखा है, एस लिखा है, फिर बट यूज़ हो गया, तो ये भी किसके लिए यूज़ हो रहा है, टी के लिए, ठीक है। तो हम क्या लिख लेंगे, टी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन पर है पी और आर के, टी अपोजिट आ जाएगा किसके, पी और
आर के। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन मैंने लिख लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, एक बार क्यू का फेस ले लेती हूँ नॉर्थ की तरफ, एक बार क्यू का फेस ले लेती हूँ साउथ की तरफ। अगर मैं ले रही हूँ क्यू, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्यू लिखा, क्यू के फिफ्थ लेफ्ट मतलब लेफ्ट साइड किधर आ जाएगा, यहाँ पे हम देख रखे हैं एक दो तीन चार, पांचवे लेफ्ट पे कौन आ रहा है, एन, हमने लिख लिया एन। अब क्यू के थर्ड राइट पे क्या ले लेते हैं, ओ, एक दो तीन, थर्ड राइट पे ओ, कितने व्यक्ति हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ सीट हमारी क्या हो गई, ऐसा लिखने से नौ सीट हमारी क्या हो गई, कंफर्म हो चुकी है। ठीक है, फिक्स हो चुकी है नौ सीट। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, देखो अगर क्यू को नॉर्थ लेने से हमारा अरेंज हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, ये हमारा फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर इससे अरेंज नहीं हो पाया तो हमें क्यू का फेस कहाँ लेना पड़ेगा, साउथ की तरफ। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया हमारा इन्फॉर्मेशन, ये हो गया। ठीक है, क्यू नेबर है आर और पी का, मतलब आर और पी डेफिनेटली यही आने हैं, आर और पी। ठीक है, अच्छा देखो अब यहाँ से देखो क्या पता चल रहा मुझे, क्यू नेबर है आर और बी का, और आर का नेबर कहाँ देख रहा है, साउथ। ठीक है, अगर आर को मैं यहाँ पे लूँ तो भी इसका एक नेबर तो नॉर्थ देखेगा, अगर आर को यहाँ पे लूँ तो भी इसका एक नेबर नॉर्थ देखेगा। तो ये पॉसिबल होगा कि क्यू नॉर्थ देखे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आर का पड़ोसी तो मुझे साउथ की तरफ चाहिए। ठीक है, पर आर का एक पड़ोसी तो नॉर्थ हो गया, चाहे आप आर इधर लो चाहे आप आर इधर लो, मतलब ये क्या होगा, हमारा अरेंज नहीं हो पाएगा, मतलब क्यू का फेस क्या हो रहा है हमारा, नॉर्थ की तरफ हम नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो क्यू का फेस डेफिनेटली किधर आ जाएगा, साउथ की तरफ। ठीक है, डेफिनेटली किधर आ जाएगा, साउथ की तरफ। तो अब देखो, अब इतनी जल्दी हमें क्या पता चला कि क्यू का फेस साउथ की तरफ है, सिर्फ तीन चार इन्फॉर्मेशन थी जिससे मैंने ये निकाल लिया। ठीक है, तो अब मैं क्यू का फेस किधर ले लेती हूँ, साउथ की तरफ है ये क्यू। ठीक है, क्यू के थर्ड राइट पे कौन है, ओ है, तो साउथ पे राइट किधर आ जाएगा, इधर एक दो तीन, थर्ड राइट पे कौन आ गया, ओ। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन यूज़ हो गई, मैं इसे हटा देती हूँ। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, क्यू के फिफ्थ लेफ्ट पे एन है, तो लेफ्ट किधर आ जाएगा, इस साइड, तो एक दो तीन चार पाँच, तो एन कहाँ पर आ गया हमारा, यहाँ पर। ठीक है, क्यू के फिफ्थ लेफ्ट पे हमने क्या ले लिया, एन, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा हमारा, कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये भी इन्फॉर्मेशन हमारी यूज़ हो चुकी है। अब क्यू नेबर है आर और पी का, तो आर यहाँ पे आएगा, ठीक है, आर यहाँ पे आएगा या फिर पी यहाँ पे आएगा। ठीक है, आर यहाँ पे आएगा या फिर पी यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये दोनों फिक्स हैं। अब आर नेबर है साउथ का, अगर आर इधर आ गया तो ये साउथ पे, अगर आर इधर आ गया तो ये साउथ पे। ठीक है, तो अभी मैं इस इन्फॉर्मेशन का यूज़, ये वाली इन्फॉर्मेशन का यूज़ अभी नहीं कर सकती। ठीक है, पर ये यूज़ हो चुकी है। ठीक है, अब आर पी से रिलेटेड कुछ मिल रहा है क्या, बिल्कुल, ओ के सेकेंड लेफ्ट पे कौन है, पी है। ठीक है, ओ के सेकेंड लेफ्ट पे कौन आएगा, पी, तो अगर ओ तो यहीं आना है, इस तरफ तो कोई बंदा आना नहीं है, नौ सीट तो हो चुकी है, तो अब मैं ओ किधर लूँ, पी किधर आ जाएगा, ये ओ अगर इधर है तो इधर क्या आएगा, डेफिनेटली पी आएगा। ठीक है, तो हम क्या लिख लेंगे, पी यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, और ओ का फेस कैसा हो जाएगा, इस तरफ लेफ्ट आना है, मतलब साउथ लूँगी तब तो इस तरफ लेफ्ट आएगा, तो ओ का फेस किधर आ गया, साउथ पे। ठीक है, और ओ का फेस तो मुझे वैसे ही पता है, ओ का फेस किधर है, साउथ पे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये ओ और पी फिक्स हो गया, तो आर किधर फिक्स हो जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, ये क्यू और आर यहाँ पर फिक्स हो गया, ये क्यू है, ये आर। अब आर के नेबर कहाँ है, साउथ की तरफ, तो हम इसे क्या लिख लेंगे, साउथ की तरफ। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया हमारा इन्फॉर्मेशन यूज़ हो गया, पी के सेकंड लेफ्ट पे ऐसे। अब देखो, ओ था और एस के फोर्थ राइट पे पी है, पी ये इधर फोर्थ आना है क्या, नहीं, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथे पे कौन आ गया, एस। ठीक है, ये भी हमारा क्या हो गया, फिक्स हो गया, पी एस के फोर्थ राइट पे पी है, तो एस का फेस किधर हो जाएगा, नॉर्थ लूँगी तो इस साइड राइट लाना है, पर मुझे तो क्या चाहिए, इधर राइट चाहिए, तो मैं क्या ले लूँगी, इसका फेस साउथ की तरफ। ठीक है, साउथ लूँगी तब जाके मेरा इधर फोर्थ राइट पे पी आएगा। ठीक है, तो ये भी इन्फॉर्मेशन हमारी यूज़ हो गई। अब एस नेबर है एल का, तो अभी मैं नहीं बता सकती कि एस किस तरफ आएगा। ठीक है, अब देखो एम और एन नेबर हैं, तो एम किधर आ गया, इधर आ गया। ठीक है, एम और एन इधर फिक्स हो गया, ये एम था, ये एन था। ठीक है, और एम और एन का फेस किधर पता है मुझे, ये रहा नॉर्थ की तरफ। ठीक है, तो मैंने इन दोनों को कहाँ लिख लिया, नॉर्थ की तरफ। एस नेबर है एल का, मतलब एल आ गया यहाँ पे, बचा कौन यहाँ पे, टी बचा, तो टी आ गया यहाँ पे। ठीक है, अरेंज तो सभी हो गए, अब बचा क्या मेरा, फेस। ठीक है, ये दोनों भी यूज़ हो गए, अब मुझे फेस से रिलेटेड इन दोनों इन्फॉर्मेशन को मैंने यूज़ कर लिया, बचा कौन, ये और ये। ठीक है, क्या बोल रहा है, टी सेम एस के जैसे, एस का है साउथ तो टी भी साउथ। ठीक है, और टी अपोजिट है पी और आर के। ठीक है, तो टी क्या है, साउथ है, तो पी और आर क्या आ जाएंगे, नॉर्थ।
ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक एक इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके हमने क्या किया, सबको अरेंज कर लिया, ठीक है। हमारे पास दो पॉसिबिलिटी आई, एक क्या था, हमें क्या लेना था, क्यू का फेस नॉर्थ, एक क्या लिया हमने, क्यू का फेस साउथ की तरफ, ठीक है। तो नॉर्थ वाले से हमारा अरेंज नहीं हुआ, बट साउथ वाले से हमारा अरेंज हो चुका है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि नॉर्थ साउथ वाला अगर आएगा तो आप एग्ज़ाम में, अगर आया तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन ये रहा हिंदी पे, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने इंग्लिश की तरफ, ठीक है। इंग्लिश पे ये रहा क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 7 पर्सन है, कौन कौन, ए बी सी डी ई एफ और जी, ठीक है, आर सिटिंग इन अ रो, ठीक है। ये क्या है, एक रो में बैठे हुए, हमने क्या किया, रो ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, 4 पर्सन आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, 7 व्यक्ति हैं जिसमें से 4 कहाँ देख रहे हैं नॉर्थ, बच्चे कितने, 3 कहाँ देखेंगे साउथ की तरफ, ठीक है। और क्या बोल रहा है, एंड दे आर नॉट नेबर ऑफ ईच अदर, ठीक है, नॉर्थ वाले का नेबर नहीं है। देखो क्या करेंगे इसमें, अगर मैं सबसे पहले क्या ले लूँ, साउथ वाले को ले लूँ तो ठीक है, फिर नॉर्थ आ जाएगा, फिर साउथ आएगा, फिर नॉर्थ आएगा, फिर साउथ आएगा, फिर नॉर्थ आएगा, फिर साउथ आ जाएगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 7 व्यक्ति आ गए। पर क्या बोल रहा है इसमें कि नॉर्थ वाले कितने आने चाहिए, 4, 1 नॉर्थ वाला, 2 नॉर्थ वाला, 3 नॉर्थ वाला, जबकि चाहिए कितने, 4। तो ऐसे पॉसिबल है क्या, नहीं। तो हम कैसे बनाएंगे, हमने लिखा ऐसे, पहले हम नॉर्थ लेंगे, फिर हम साउथ, फिर नॉर्थ, फिर साउथ, फिर नॉर्थ, फिर साउथ, फिर नॉर्थ, ठीक है। नॉर्थ वाले कहाँ देखते हैं, लेफ़्ट टू राइट, साउथ वाले कहाँ देखते हैं, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। अब देखो अब कितने आ गए नॉर्थ वाले, 1 2 3 और 4, ठीक है, नॉर्थ वाले कितने आ गए, 4, और साउथ वाले 1 2 3, ठीक है, साउथ वाले कितने आ गए, 3। मतलब डायग्राम क्या बनेगा, डेफिनेटली फेस क्या आएंगे इनके, ऐसे ही आएंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन में इसने बता दिया। अब क्या बोल रहा है आगे, डी सीट्स एट द मिडिल साइड ऑफ द रो, ठीक है, डी कहाँ पे बैठा हुआ है, डी बैठा हुआ है मिडिल पे, मतलब यहाँ पे, ठीक है, 3 व्यक्ति इधर हैं, 3 व्यक्ति इधर हैं, मतलब डी कहाँ पे आ गया, बिल्कुल बीच पे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ए एंड ई आर नॉट सिटिंग एट कॉर्नर, ए और ई कहाँ पे नहीं है, कॉर्नर नहीं है, ठीक है, ए और ई नहीं आएंगे, हमने लिख लिया ए और ई नहीं है कॉर्नर पे, ठीक है। और क्या बोल रहा है, ए और ई कॉर्नर पे नहीं है, और नॉट द नेबर ऑफ डी, और डी के भी नहीं है नेबर, ठीक है, मैंने लिख लिया नेबर नहीं है डी के। देखो ए और ई यहाँ नहीं आना, 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 दो ही प्लेस बसती है, ए और ई या तो यहाँ आएंगे, ए और ई या तो यहाँ आएंगे, ठीक है, इस इंफॉर्मेशन की भी हम ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हमने क्या किया, इसे भी लिख लिया। अब क्या बोल रहा है, आगे पढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन को, ठीक है, क्या बोल रहा है, सी सीट्स एट द एट वन ऑफ द कॉर्नर, ठीक है, सी कहाँ बैठेगा, या तो इस किनारे पे या तो इस किनारे पे, ठीक है। और क्या बोल रहा है, नॉट द नेबर ऑफ ई, अब सी क्या है, ई का पड़ोसी नहीं आएगा, सी ई का नहीं, तो सी के बाजू पे कौन आएगा, ए ही आएगा, ठीक है, सी के बाजू पे कौन आएगा, ए ही आएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, देखो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, इसे हटाती हूँ मैं, इसे नीचे लिख लेती हूँ, ठीक है, ये आ गया नॉर्थ, लेफ्ट टू राइट, ये साउथ, ये आ गया राइट टू लेफ्ट, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, अगर मैं सी के वो यहाँ पे ले लूँ तो ए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, और अगर मैं सी को यहाँ पे ले लूँ तो ए यहाँ पे आ जाएगा, और डी कहाँ पे आना है, यहाँ पे, ठीक है, तो ई यहाँ पे आ जाएगा, ई यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, समझ में आया ये कैसे, डी फिक्स था हमारा, हमने डी को फिक्स कर लिया, ठीक है। अब सी के साथ ए आना था तो सी को मैंने यहाँ पे लिख लिया, ए को यहाँ पे, ठीक है, सी के बाजू पे ये आना है, सी यहाँ पे आ गया तो ए यहाँ पे, ठीक है, और ए ई के लिए दो ही प्लेस बची थी, अगर ए यहाँ पे तो ई यहाँ पे, अगर ए यहाँ पे तो ई यहाँ पे, ठीक है, इतना बात समझ में आया, ये हमारा फिक्स हो गया, ठीक है, हम दो डायग्राम लेके चल रहे हैं, मैंने डायरेक्ट ऊपर नीचे से बना लिया है। अब क्या बोल रहा है, बी इज़ 4th लेफ्ट ऑफ जी, ठीक है, तो बी के क्या बोल रहा है, बी के 4th लेफ्ट पे, बी 4th लेफ्ट है जी के, ठीक है, तो जी अगर नीचे वाले में यहाँ पे आएगा तो बी कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, ये नॉर्थ देख रहा है, लेफ्ट साइड इधर ही आना है, तो 1 2 3 4, ठीक है, 4th लेफ्ट पे कौन आ गया, जी, वैसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी अगर यहाँ पे आएगा तो बी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के लिए सिर्फ एक ही प्लेस बची थी, यही वाली जहाँ जहाँ हमने इसे बैठाया, ये भी नॉर्थ देख रहा है, और नॉर्थ की कहा गया यहाँ पे कौन आ गया, बी, ठीक है, ये समझ में आया, ये जी नॉर्थ देख रहा है यहाँ पे, ठीक है, और जी के 4th लेफ्ट पे कौन आ गया, बी,
इतना डायग्राम हमने क्या किया, बना लिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है आगे, एंड नॉट सिटिंग विथ डी, ठीक है। अब कौन नहीं बैठा है डी के साथ, बी है, देखो बी है और जी लिखा था, उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन दी थी किसके लिए यूज़ हो जाएगी, बी के लिए, तो बी डी के साथ नहीं बैठा, जबकि यहाँ पे तो बी डी के साथ बैठा है, मतलब नीचे वाला क्या हो गया, ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। नीचे वाला क्या आ गया, हमारा गलत आ गया, तो डायग्राम कैसे बनेगा, ऊपर वाले जैसा, ठीक है। नीचे वाला क्या आ गया, बी नेबर आ गया डी का, जबकि चाहिए नहीं मुझे, ठीक है। तो कैसा जम गया हमारा, बी ई, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी सी डी ई एफ, एफ बचा था, एफ आ जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। एफ आ गया हमारा यहाँ पे, कैसे जमा मेरा ये, बी फिर ई, ठीक है, बी ई एफ डी जी ए सी, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख लिया आप लोगों ने कि किस तरीके से हमने इसे सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो दो तरीके से पूछ सकता है, या तो पहले वाले के तरीके से या फिर दूसरे वाले के तरीके से, ठीक है। तो आज हमारा क्या हुआ, आज हमने क्या किया, अपना सिंगल रो वाला पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। लीनियर अरेंजमेंट में मैंने बताया था कि दो तरीके से पूछे जाते हैं, एक सिंगल और एक डबल, ठीक है। डबल में बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं रहती, सिर्फ एक टाइप का ही आता है, वो मैं कल आप लोग को दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगी, ठीक है। और ये हमने क्या किया, आज कंप्लीट कर लिया, इसमें तीन तरीके से पूछे जाते थे, ये हमने पढ़ लिया। कल हम क्या पढ़ेंगे, डबल रो वाला, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये सेशन आप लोग को पसंद आया होगा, ठीक है। हम यहाँ पे आज सेशन को एंड अप करते हैं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितना हो सके उतना इसको शेयर कीजिएगा, इस सेशन को, ठीक है, इस वीडियो को उतना शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए सेशन को एंड अप करते हैं, टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिस। Thank you and bye-bye.